हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीठ। आम पढ़ी महात्मा गांधी और भारत स्वाधीनता आंदोलन चैप्टर टू। ओके, सो यार आगर भिडिओ आम कि कवर कर द्वितीय घूरणिया मेजमेल 1931। और तुम्हें भिडिओबूर चाले सिकुवेन्ट वाइज चाबा, पूरा सीरियेली चाबा। मैं प्लेलिस्ट बनाई थी दूँ और तैनक चाले तुम्हारे कि हम लाभ हम मैं आगर यू टपिक रिलेट कर पारा। सो द्वितीय घूरणिया मेजमेल तुम्हारक कैसी मैं जे गांधीजी संयुक्त अथवा पृथक निर्वाचन मंडली और सम्प्रदायसमूहर मजत आसन संरक्षण कथा पार्लियामेंट द्वितीय घूरणिया मेजमेल मानने सेनेकुवा टाइपे पार्लियामेंट टाइपे सो तात की कोरिसिले उत्थापन करिसिले किन्तु हेई कथाटुक आवकान करा होइसिले। आरो तेनेके आरुने जिखिनि प्रस्ताव जिखिनि चुक्ति गांधीजीर लगत करिसिल हेखिनिक तेव विश्वासघातकता करिसिल, जार फलत आइन अमान्य आंदोलन पुनर आरम्भ करार सिद्धान्त लैसिले आमार भारतीयসকले। गतिके आइन अमान्य आंदोलनर पुनर आरम्भ है 1931 सनत। और ये आंदोलन तो आरम्भ हार लगे लगे कि है प्रथमते कि करे आंदोलन रोध करिबर कारणे बा आंदोलन स्टप करिबर कारणे ब्रिटिश सकले महात्मा गांधी और तेर लगते तदानीन्तन कांग्रेसर सभापति, हेई समयत कांग्रेसर सभापति आसिले वल्लभ भाई पेटेल, और ये दुजन नेताक तेव ग्रेप्तार करे। काक माने ब्रिटिश सकले सो काक ग्रेप्तार करिसिले महात्मा गांधी और तदानीन्तन कांग्रेस सभापति हे समयर वल्लभ भाई पेटेलक। और तार पाছত ब्रिटिश सकले बलपूर्वक भावे कांग्रेसर कार्यालय अधिग्रहण करिसिल। कार्यालय माने जो तेलुके सभा मिटिंग एबिलाक पाते बा आलोचना बिलोचना करे हे कार्यालय समूह अधिग्रहण करिसिल। और कि करिसिले जे ठाये ठाये तुमार जनसाधारणक बा गणसमावेशबूरक सेदेली भेदेली करिबर कारणे लाठी चालना करिसिल। आनकि शिशु और तिरुतासमूहको अत्याचारर परा माने तेलुक हाथ हारिब परा नासिल। मुठते सकलोके तेलुके लाठी चालना करिसिले ब्रिटिशসকলে आंदोलनटु बन्ध करिबर कारणे, कारण এই आंदोलनटुत महिलाসকলে अंशग्रहण करिसिले। गतिके महिलाসকলৰ ওপৰতো तेलुके हाथ उठाइसिल। देन जीबूर सर्वसाधारण माने जी बेत्राघात, हाँ बेत्राघात माने बेटेरे आघात, बेत्राघात वर्डटो बुकत आछे चाबा जे बेत्राघात करिसिले तेओलोके सर्वसाधारणक बा जनसाधारणक माने एसारिरे कुबाइसिल। और ये जे जुने आंदोलनटुत अंशग्रहण करे तेओलोकके लै जाय पिने एनेके बेत्राघात करा होइसिल, माने तुमार एसारिरे कुबुआ होइसिल बा लाठी चालना करा होइसिल। बुझिसा एखिनि। और এই আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া যিবোৰ মানে সাহিত্যিক বা যিবোৰ তোমাৰ ৰসক বা যিবোৰ গীতিকাৰ তেওঁলোকে কি কৰে নিজৰ কবিতা গল্প উপন্যাস আদিৰে সকলোকে জনসাধাৰণৰ মাজত জাতীয়তাবাদ গঢ়ি তোলে আৰু সকলোকে মানে এটা মেছেজ দিব চেষ্টা কৰে। কিন্তু সেই সময়ত এই ব্ৰিটিছসকলে সাহিত্যিকসকলৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল, মানে তেওঁলোকে কবিতা গল্প উপন্যাস আদি একো লিখিব নোৱাৰে বা একো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু তথাপিও আন্দোলন থমকি ৰোৱা নাছিল আৰু লাহে লাহে দীঘলীয়া আন্দোলনে মানুহবোৰৰ মনৰ ৰাজনৈতিক উদ্যম কমাই আনিছিল আৰু হতাশাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। মানে आंदोलन तो थमकी रोआ नासिल, किन्तु लाहे लाहे जेहेतु इमानबूर रोध करिसे सकलोके इमान माने कष्ट दिसे इमान माने तुमार शास्ति बिहिसिले हेकारणे सकलोरे लाहे लाहे आंदोलनर प्रति हताशा नामी आहिसिल। आरु तार पाছত 1933 सनर मे माहत आंदोलन सम्पूर्ण रूपे स्थिमित होय परिसिल। आरु 1934 सनर मे माहत माने तार पुरा एक बछर पाছত इयाक सम्पूर्ण रूपे प्रत्याहार करा होइसिल। सो एखिनि मन राखिबा। देन तुमार होल जे आइन अमान्य आंदोलनर फलत की होइसिल। ए आंदोलने भारतीय जनसमागमत राजनैतिक सचेतना गढ़ी तुलिबले सक्षम होइसिल। और ब्रिटिशসকলৰ एने आचार व्यवहार फलत तेलुकर जितु रूप हेई रूपटो समग्र भारतीय सकলৰ মাজতে दांगी धरिसिल। तेलुके माने सकलोरे মাজत प्रकाश হৈ গৈছিল, माने जिबिलाके ब्रिटिशসকলৰ पक्षेও আছিল हेइबिलाकेও गम पाइ গৈছিল ब्रिटिशসকल केनेकुवा आरो ब्रिटिशসকলৰ विरुद्धे तेलुके आरो पिछर जिकेहन युद्ध बा पिछर जिबुर समयत तेलुके ब्रिटिशर विपक्षे হৈ গৈছিলে। গতিকে আইন অমান্য আন্দোলনৰো কিছুমান তোমাৰ পজিটিভ ফেক্ট আছে। যদিও আন্দোলনখন সফল নহল, माने पराजय हल, ब्रिटिशসকলে ইয়াক पराजय কৰিবলৈ বা দমন কৰিবলৈ সক্ষম হল। তথাপিও ইয়ে মানে আন্দোলনখনে ভাৰতীয়ৰ মনত জনসমাগমৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল।